हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस कर चुके हैं। उसी को रिव्यू करने के लिए राममूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 बनाई गई। ये 17 मेंबर्स कमेटी थी। इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इस रिव्यू कमेटी में क्या इनको क्या काम सौंपा गया और इन्होंने अपने क्या क्या सजेशन दिए और इन्होंने 1986 की पॉलिसी में कहाँ तक क्या काम हो पाया उसके बारे में क्या कहा। और इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं राममूर्ति रिव्यू कमेटी 1990। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाने के लिए उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने 1990 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिव्यू करने के लिए आचार्य राममूर्ति की चेयरमैनशिप में 17 मेंबर्स कमेटी बनाई और इसे ही राममूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 या राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 कहा जाता है। इस कमेटी को उन्होंने तीन काम सौंपे। पहला, उन्होंने कहा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है उसको रिव्यू करना है, और दूसरा, रिव्यू करने के बाद उसमें मॉडिफाई करने के लिए सजेशन देने हैं, और तीसरा, जो मॉडिफिकेशन पॉलिसी होगी उसके एग्जीक्यूशन के लिए सजेशन देने हैं। और ये जो इसकी कमेटी थी, इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो दी 26 दिसंबर 1990 को, और इसका जो टाइटल था वो टाइटल था प्रबद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, टुवार्ड्स एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। ये इसका जो टाइटल था, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि राममूर्ति समीक्षा समिति का टाइटल क्या था, तो उसका टाइटल बताना है आपको, टुवार्ड्स एंड एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, प्रबुद्ध एवं भारतीय मानवीय समाज की ओर, प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, टुवार्ड्स एंड एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, ये इसका टाइटल था। बहुत बार दो नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस राममूर्ति समीक्षा समिति का टाइटल क्या था, तो आपको टाइटल बताना है प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, टुवार्ड्स एंड एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। इस कमेटी की रिपोर्ट में यह एक्सेप्ट किया गया कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, और साथ ही साथ में इक्वलिटी की जगह अनइक्वलिटी ने प्लेस ले लिया है, और टॉलरेंस इंक्रीज हो गया है, और इसके साथ ही साथ क्लास डिफरेंशिएशन भी बढ़ गया है। तो इसलिए द कमेटी प्रेजेंटेड द रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और इसके लिए अपने बहुत सारे उन्होंने सजेशन भी दिए, और इसके क्रियान्वयन की भी समीक्षा को प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने सजेशन दिए, वो दिए एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या रिव्यू था और क्या सजेशन थे। प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के वोकेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक टाइम लिमिट डिसाइड होना चाहिए कि जिस फिक्स टाइम में हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और दूसरा, इन्होंने कहा कि इंडियन एजुकेशन सर्विस की जगह स्टेट एजुकेशन एडवाइजरी सर्विस को ऑर्गेनाइज किया जाए, जो कि समय समय पर जो शिक्षा से संबंधित मामले होंगे उन पर वो अपनी एडवाइस देगी, और हर तरह की जो एडवाइस होगी वो मिलेगी स्टेट एजुकेशन एडवाइजरी सर्विस से, राज्यों में राज्य शिक्षा सलाहकार समिति से। और हर स्टेट को अपनी सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्री कर देना चाहिए। जो एनसीईआरटी और यूजीसी है उनका रोल केवल कोऑर्डिनेशन करना और उनको स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करना होना चाहिए कि समय समय पर वो स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें, और लेकिन उनमें ज़्यादा इंटरफेस उनका यूजीसी और एनसीईआरटी का नहीं होना चाहिए। हर स्टेट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग और अपने सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग एजुकेशन को सभी को प्रोवाइड करा सके। और साथ ही में जो वोकेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, मैनेजमेंट एजुकेशन है, ये सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को करने के लिए उनको प्रमोट करना चाहिए, उनके एफर्ट को भी जो उनके एफर्ट्स हैं उन एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो थे सारे प्रशासन और वित्त के संबंध में जो इन्होंने रिव्यू किया था उसके संबंध में। अब बात करते हैं रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संगठन संबंधी समीक्षा और सुझाव, कि इन्होंने शिक्षा के संगठन के लिए किस तरह की बात कही। इसमें इन्होंने कहा कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसको अप्लाई किया जाए और आने वाले 10 वर्षों में उसे
इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया जाए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए ज़्यादा फंडिंग दी जाए और जो बैकवर्ड रीजन में स्कूल्स हैं उनकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो भी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं वो जितनी भी जो भी कैपिटेशन फ़ीस लेते हैं उस पर कंट्रोल किया जाए, जिससे कि वो ज़्यादा कैपिटेशन फ़ीस ना ले सकें। इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य संबंधी समीक्षा और सुझाव, रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बताया कि हमें सबसे पहले बच्चे के इफ़ेक्टिव डोमेन को डेवलप करना है, उसके इफ़ेक्टिव जो आस्पेक्ट है उसको डेवलप करना है, जिससे कि उसके अंदर हम मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप कर सकें और सभी बच्चों को जाति धर्म भेदभाव इससे मुक्त किया जा सके, और इस तरह से उनको एजुकेशन दें कि वो अपनी लिवलीहुड के लिए काम कर सकें और किसी भी तरह से का भी वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करने के साथ साथ साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप करना है, जिससे कि वो देश के डेवलपमेंट भी में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। इसके बाद है रिव्यू रिगार्डिंग करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव। इसमें उन्होंने कहा कि जो है करिकुलम हमारा होगा, उस करिकुलम में हम बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही इक्वल एजुकेशन दी जानी चाहिए, और जो हमारा करिकुलम होगा वो टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और 10 ईयर्स एजुकेशन में साइंस और मैथ्स इसको जो है मेन इस पर फोकस होना चाहिए, और साथ ही साथ में एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी इसके साथ जोड़ देना चाहिए। और 10 ईयर्स एजुकेशन की तो बात इन्होंने की, और साथ साथ में इन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के अकॉर्डिंग 3 भाषाओं की शिक्षा को कंपलसरी करना चाहिए। बच्चे की फिज़िकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, फिज़िकल डेवलपमेंट पे, मेंटल डेवलपमेंट पे, उसे स्पोर्ट्स के लिए कंपलसरी होना चाहिए, और जो हमारा हायर एजुकेशन है उसके पाठ्यक्रम को टाइम टाइम अपडेट कर देना चाहिए, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको जोड़ देना चाहिए। इसके बाद है रिव्यू रिगार्डिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। जैसे कि 1986 की पॉलिसी में कहा गया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस ये जो कार्यक्रम है इस पर विशेष उन्होंने बल दिया था, लेकिन इस कमेटी ने जो ऑब्जर्व किया, इन्होंने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम नहीं हुआ है, और इसको इसमें काम करने के लिए उन्होंने सुझाव दिए कि प्राइमरी एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम को इसको बढ़ावा दिया जाए, और जो लोकल नीड्स हैं उस नीड्स के अकॉर्डिंग ही न्यू मेथड्स को भी अप्लाई किया जाए, और हर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के पास एक अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर बच्चे अपनी हर तरह की चीज़ को सीख सकें, उनके अंदर फूड हैबिट डेवलप हो, हाइजीन हैबिट डेवलप हो। इस तरह से उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दिए, और उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा और सुझाव, सजेशन एंड रिव्यू रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में 10% एनरोलमेंट, 10% रिटेंशन और 10% सक्सेस के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कि किस तरह से हम 100% एनरोलमेंट पा सकते हैं, 100% बच्चों को स्कूल में रोके रख सकते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन में फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोले जाएं, और इन सेंटर को इंटीग्रेट किया जाए, और एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए जो ब्लैक बोर्ड योजना चल रही है उस ब्लैक बोर्ड योजना को कंटिन्यू रखा जाए, और इसके साथ ही साथ टीचर्स और कम्युनिटी की भी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, और सोशल एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करना है। इसके बाद है सजेशन एंड रिव्यू रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा और सुझाव। माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अकॉर्डिंग 10+2+3 क्या एजुकेशन पैटर्न है वो पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, और कॉमन स्कूल सिस्टम को 10 वर्ष में हमें लागू करना है, और 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की, और इंग्लिश की डोमिनेंसी को ख़त्म करने की बात की, और हर लेवल की एजुकेशन को वर्क एक्सपीरियंस से जोड़ने की बात की, और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द टाइम एनवायरमेंटल एजुकेशन और वैल्यूज एजुकेशन बच्चों को ज़रूर दी जानी चाहिए, और जो नवोदय स्कूल्स खोले जा चुके हैं उन स्कूल्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और आगे ये नवोदय स्कूल नए खोले जाएं। इसके बाद है सेशन एंड रिव्यू रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। अब इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कहा कि जो UGC है उस UGC को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए,
कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन देने के लिए नॉर्म्स और रेगुलेशन हैं उनको थोड़ा टफ एंड स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए, जिससे कि जो अच्छे लेवल के हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर सकें। और ग्रेजुएशन एजुकेशन और उनके एग्जामिनेशन के कार्यभार से यूनिवर्सिटी को फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, वो अच्छे से काम करा सकें। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश करना चाहिए विलेज के अपलिफ्टमेंट के लिए। सिलेक्शन एडमिशन सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, और जो हमारा उस शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके गठन की जो पूरी प्रक्रिया है वो विकेंद्रित करने की संभावनाओं की जांच उसको करनी चाहिए। इसके बाद है व्यवसायिक तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा संबंधी सुझाव और समीक्षा, सजेशन एंड रिव्यू रिगार्डिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर इन्होंने AICTE को संवैधानिक दर्जा देने की बात की और उसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की बात भी की। जैसे NCT के अपने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उसी तरह से AICTE के भी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की बात की। और जो 10 ईयर्स एजुकेशन है उसको रोजगार परक बनाना है, जॉब ओरिएंटेड बनाना है, कि जिससे बच्चे यदि उसके बाद स्कूल हायर एजुकेशन नहीं लेते हैं तो वो कोई ना कोई अपना लिवलीहुड का काम कर सकते हैं। इस स्तर पर उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस और सोशल यूजफुल प्रोडक्टिविटी वर्क SUPW को कंपलसरी करने की बात की। और जो क्लास 9 से 12 तक चलाए जाने वाली वोकेशनल एजुकेशन है उसको इंटीग्रेट करने की बात की। हर लेवल की टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन को अपडेट करने के लिए प्रैक्टिकल जो वर्क है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और जो स्टूडेंट का सिलेक्शन है वो भी इस तरह किया जाए कि उस पर योग्य छात्र ही उसमें एंटर कर सकें। और जो टीचर्स हैं उनकी टीचर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए, फॉलोअप प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे कि वो उनकी क्वालिटी बढ़ सके। उसके बाद है शिक्षक शिक्षा संबंधी समीक्षा और सुझाव, रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए कहा कि जो टीचर एजुकेशन का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देना चाहिए, और शिक्षक शिक्षा का जो करिकुलम है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बजाय इमोशनल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना है, इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और जो सर्विस कंडीशन है टीचर्स की उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। टीचर्स में क्वालिटी लाने के लिए टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्स होंगे, वर्कशॉप सेमिनार होंगी, और जो टीचर की डिग्री है ये कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स से बिल्कुल भी ना दी जाए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स में हम जो है बच्चे को प्रैक्टिकल पार्ट नहीं करा पाते हैं, केवल थ्योरेटिकल पार्ट ही कराते हैं, जबकि टीचर्स एजुकेशन में उसमें बच्चों के अंदर जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए इन्होंने ये सजेशन दिया कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में टीचर एजुकेशन के डिप्लोमा या डिग्री को प्रोवाइड इसमें ना किया जाए। एडल्ट एजुकेशन के संबंध में सुझाव, इसके लिए इन्होंने कहा कि जो हम एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं उस प्रोग्राम में वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यूस ये एडल्ट एजुकेशन रन करती रहे और कंटिन्यू ये एजुकेशन दी जाती रहे, इस तरह से एडल्ट एजुकेशन की उन्होंने बात की। उसके बाद है भाषा शिक्षा संबंधी सुझाव, रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करने की बात की सेकेंडरी स्टेज पर, और एफर्ट शुड बी मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज हैं उसके लिए भी एफर्ट किए जाएँ, और स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड फॉर द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज हिंदी। नेशनल लैंग्वेज पर इम्फेसिस की बात की, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की, और 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट करने की बात की, और एक ये कहा कि एक निश्चित सीमा के अंदर ही इंग्लिश की जगह रीजनल लैंग्वेज को जो हमें स्थापित कर देना है, और जो इंग्लिश की डोमिनेंसी है इसको ख़त्म करना है। उसके बाद है शैक्षिक अवसरों की समानता, इन्होंने कहा कि सभी के लिए एजुकेशन के समान अवसर सभी को मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी जाति का है, चाहे वो अल्पसंख्यक का है, चाहे वो इम्पेयर्ड बच्चा है, तो हर तरह के बच्चे को शैक्षिक अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, जो चाहे किसी भी तरह की एजुकेशन वो ले सकता है, और
हमारे देश में यूँ तो जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, माइनॉरिटीज़ को अपने स्कूल चलाने का अधिकार है, उनके द्वारा जो चलाए जा रहे स्कूल हैं उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित भी करना चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने कहा। और जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स जोड़ने की बात की। तो ये सारे सजेशन दिए गए थे राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 के द्वारा। इस तरह से हमने देखा इस कमेटी ने बहुत से अच्छे सुझाव दिए जिनको कि यदि एज इट इज़ फॉलोअप करा देते हैं तो हमें जो एजुकेशन में हम क्वालिटी लेके आ सकते हैं। लेकिन साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसे भी अपने आइडियाज़ दिए जो कि आज के सिनेरियो में हम उनको सही नहीं कह सकते। जैसे इन्होंने कहा कि नवोदय स्कूल्स को क्लोज कर देना चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया, हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की, लेकिन इंग्लिश की डोमिनेंसी को ख़त्म करने की बात की। लेकिन हम कोई भी लैंग्वेज है, किसी की लैंग्वेज से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, तो हमें हर तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए, हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना है। और जबकि रिजल्ट ये रहा कि नवोदय विद्यालय बराबर खोले गए हैं और इंग्लिश का जो है डोमिनेंसी वो बढ़ती ही जा रही है। इस तरह से आज हमने बात की इस कमेटी की, और यदि ये आपको ऑडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही में यदि आपके पास कोई सजेशन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आपके सजेशन को नेक्स्ट ऑडियो में उस पर ध्यान रखकर ही काम किया जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।